लेसन है हमारा आवर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कम्युनिटी मतलब जो हम मिलजुल कर रहते हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, हमारा नेचर यह है कि हम अकेले नहीं रह सकते. कुछ लोगों का अकेले रहना अच्छा लगता होगा, लेकिन वो कितने दिन अकेले रह सकते हैं? आप इमेजिन करो कि आप अर्थ पे अकेले हो और आपको खाना भी खाना है, कपड़े भी धोने हैं, सब काम भी करना है, तो जितनी हमारी ज़रूरतें हैं क्या हम पूरी कर सकते हैं? सिर्फ आप अकेले हो, कितने दिन रह लोगे आप? 5 दिन 10 दिन महीना एक साल? ठीक है, तो अकेले हम नहीं रह सकते. मैन इज़ अ सोशल एनिमल. मैन एनिमल तो है, हम लोग एनिमल तो हैं, लेकिन हमारे साथ एक वर्ड आता है सोशल. सोशल मतलब हम मिलजुल के रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं. मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी और कम्युनिटी. एक जो आदमी है यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सोसाइटी और कम्युनिटी के बिना नहीं रह सकते. सोसाइटी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन. सोसाइटी जो है वो हमें सिक्योरिटी और सपोर्ट देती है. सिक्योरिटी मतलब आप मिलजुल के रहते हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, सब है ना, तो आपको कोई खतरा नहीं लगता और एक दूसरे की मदद भी हो जाती है. अब यहीं कोई अकेला है, अब बाकी सब घर बहुत दूर दूर हैं, आपका कहीं एक जगह अकेला घर है, तो आपको वहाँ अकेले रहते हुए डर भी रहेगा ना. रात को जब हमें कोई लोग नहीं दिखते, हम सुनसान सड़क पे होते हैं, तो डर लगता है ना. तो ये वही कह रहे हैं, जब हम कम्युनिटी में रहते हैं ना तो हमें वो इनसिक्योरिटी फील नहीं होती. इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन नेचर, कहते हैं कि इंसान का नेचर ही है और हमारी ज़रूरत है दैट इन्जॉय लिविंग इन अ कम्युनिटी, कि हमें कम्युनिटी में रहना अच्छा लगता है. नेचर भी है और हमारी ज़रूरत भी है. एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन नीड्स हैव मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड्स. कहता है जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे इम्प्रूवमेंट हुई है, नई नई खोजें हुई हैं, तरक्की हुई है, तो हमारी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. द पीपल लिविंग इन विलेज कंपेरेटिवली लीड अ सिंपल लाइफ देन दोज हु रिसाइड इन सिटीज. रिसाइड मतलब रहना, लिव मतलब भी रहना. अब लोग जो गाँवों में रहते हैं वो शहरों में रहने वाले लोगों के मुकाबले एक आसान सी जिंदगी, सिंपल लाइफ जीते हैं. उनकी ज़रूरतें इतनी नहीं हैं जो शहरों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें हैं. एज अ रिजल्ट, इस कारण देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. इसलिए दोनों जगह रहने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं. इन शॉर्ट्स, कहते हैं अब जो हम कंक्लूड करना चाहते हैं, नीड्स जरूरतें, रिक्वायरमेंट्स भी और नेसेसिटीज़ यानी सब जरूरतें ह्यूमन कंपेल देम, यानी हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी हम चाहते हैं, वो हमें कंपेल करती हैं, हम पे जोर डालती हैं कि हम इकट्ठे रहें और एक्सटेंड म्यूचुअल कॉरपोरेशन और एक दूसरे से सहयोग से रहें, एक दूसरे की मदद करके रहें, और इसी को हम कम्युनिटी लाइफ कहते हैं. अब एक कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस. अब कम्युनिटी क्या क्या है हम ये पढ़ेंगे. द कम्युनिटी इन विच वी लिव. अब जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं कंप्राइजेज, उसमें क्या क्या होता है. फैमिली, फैमिली पहली यूनिट है कम्युनिटी की, मतलब मिलके रहना. फैमिली में हम मिलके ही रहते हैं ना. स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो लोग अपना, बड़े लोग अपने काम पे जाते होंगे, ऑफिस वगैरह. और नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आपका पड़ोस, जहाँ आप रहते हैं, आपके पड़ोसी जो आपके घर के साथ वाले घर में रहते हैं, सामने वाले घर में रहते हैं, जो आपके चारों ओर रहते हैं. द फैमिलीज लिविंग क्लोज टू वन अनदर इन अ पर्टिकुलर एरिया. वो फैमिलीज जो एक दूसरे के आसपास रहती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर्म्स अ नेबरहुड. ये सारी डिफाइन आ सकती है, कम्युनिटी, नेबरहुड, ये सब. लिविंग टुगेदर हेल्प सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक. कहते हैं अगर आप इकट्ठे रहते हैं तो इसे आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. म्यूचुअल गिव एंड टेक मतलब जो आपके साथ रहते हैं पड़ोसी वगैरह, उनसे कुछ लेके या कुछ दे के. होता है ना, कभी हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं, उसको ज़रूरत होती है तो वो हमसे मांग लेता है. हेल्प भी मांग लेना होता है, यहाँ पे चीज़ नहीं, हेल्प भी हो जाती है. अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड कंप्राइज अ विलेज और सिटी. कहते हैं अब वही जो नेबरहुड के ग्रुप्स होते हैं ना, पहले तो खाली हम लोग जहाँ रहते हैं आसपास के घर, वो हमारा नेबरहुड हो गया. अब जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं, आपका नेबरहुड, आपके फ्रेंड का नेबरहुड, यानी आपके क्लास में जितने बच्चे हैं या आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं, उन सबका नेबरहुड, ये सब मिला के क्या बनता है, सिटी या विलेज. मैनी विलेजेस एंड सिटीज टुगेदर फॉर्म अ कंट्री. और जब इन बहुत सारी सिटीज और कंट्रीज को हम इकट्ठा मिला लेते हैं तो क्या बनती है, कंट्री. नो कंट्री इन अ वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड ऑफ पीपल इंडिपेंडेंटली. कोई भी कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड में जो उसके लोगों की डिमांड है उसको अकेले पूरा नहीं कर सकती. पहले कभी ज़माने में होता था जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी,
साइंस नहीं थी तो लोगों की ज़रूरतें भी इतनी नहीं थी। क्या करना था, आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, जंगलों में घूमता था इंसान, पहले नोमैड लाइफ जीता था, फिर उसने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया तो वो रिवर्स के पास रह के खेती करने लग गया, तो उसको क्या करना था, सिर्फ जानवर चाहिए थे, खेती होती थी, रख लेता था, तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उसकी लाइफ सिंपल थी। लेकिन आज के ज़माने में अगर मुझे कुछ चाहिए तो खाली जिस भी कंट्री में मैं रहती हूँ वो कंट्री मेरी वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। हैंस एवरी फैमिली नेबरहुड विलेज सिटी कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन अनदर वन अनदर। तो चाहे आप नेबरहुड में रहते हैं तो भी आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चाहे आप विलेज में रहते हैं तो भी आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक विलेज दूसरे विलेज पर डिपेंडेंट है, एक सिटी दूसरे सिटी पर डिपेंडेंट है और एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, अब देखो कैसे वी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ फार्मर, किसान खेती करेगा तभी हमें खाने को खाना मिलेगा ना, नहीं तो हमें खाना नहीं मिलेगा। मैं तो खेती नहीं कर सकती ना, अब मैं खेती भी करूँ, मैं कपड़े भी सिलूँ, कपड़े भी बनाऊँ पहनने के लिए, है ना, और भी काम करूँ, नॉट पॉसिबल। टेलर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, शॉपकीपर्स, टीचर्स, डॉक्टर एंड मैनी मोर स्पेशलिस्ट एंड स्किल्ड वर्कर। स्पेशलिस्ट मतलब जिनको अपना अपना काम आता हो, स्किल्ड वर्कर यानी जो काम आप नहीं कर सकते वो बंदा ही वो काम जो भी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन ही इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकता है, तुम तो नहीं कर सकते ना भाई, ना मैं कर सकती। द इंटरडिपेंडेंस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ प्रमोट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। कहते यही इंटरडिपेंडेंस हर जगह लाइफ का, यानी एक लोगों पे दूसरे लोगों का अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इसी से हमें आती है इकट्ठे रहने की बिलोंगिनेंस, मतलब एक दूसरे के लिए मदद करने की, कि ये मुझसे रिलेटेड है, मैं उससे रिलेटेड हूँ, एंड सोशल वेलबींग, मतलब तीनों का मतलब है इकट्ठे प्यार से एक दूसरे की मदद करके रहना, ऐसे वाली फीलिंग हमारे में आती है। दिस पेव द वे फॉर कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ, और इसी की वजह से कम्युनिटी का डेवलपमेंट, कम्युनिटी लाइफ का डेवलपमेंट होता है। अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम किसी दूसरे को पूछेंगे ही नहीं, ज़रूरत है हम तभी पूछते हैं ना एक दूसरे को। अब है कम्युनिटी, फैमिली, कम्युनिटी में आपने क्या पढ़ा, फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली, हम सब फैमिली में रहते हैं। फैमिली जो है वो फर्स्ट और स्मॉलेस्ट यूनिटी है कम्युनिटी की, ये आ सकता है पेपर में, एमसीक्यू में। इट मीट्स अवर नीड्स एंड हेल्प्स टू अडेप्ट देमसेल्फ टू अवर सराउंडिंग्स। तो यही फैमिली है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और हमारी मदद करती है कि हम अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, रह सके, है ना। आप इमेजिन करो आप छोटे बच्चे हो, कि आप फैमिली के बिना रह सकते हो, उसी में इसका आंसर है, नीड है। जब फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल, फैमिली को फर्स्ट स्कूल कहा जाता है, क्यों, स्कूल में आप चीज़ सीखने के जाते हो ना, पढ़ते हो अच्छी अच्छी चीज़ें, तो फैमिली में भी तो आपको सिखाया जाता है ना, झूठ मत बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, कुछ भी गलत करते हो तो पेरेंट्स या बड़े आपके एल्डर्स आपको सही कहते हैं ना, यानी वो वहाँ सिखाते हैं। इट इज़ हेयर दैट चाइल्ड ऑब्जर्व, ये यहाँ पे ही फैमिली में ही बच्चा देखता है, नकल करता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, इंटरेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों से कैसे बात करनी है ये सीखता है। द यूज़ ऑफ मदर टंग, अब आपके घर में जो भाषा बोली जाती है आप वही भाषा बोलोगे ना, भाई हिंदी बोली जाती है तो आप हिंदी बहुत अच्छे से बोलोगे, इंग्लिश बोली जाती है तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलोगे, तो मदर टंग मतलब जो घर में भाषा बोली जाती है। इनेबल द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग, उसी भाषा में बच्चा अपनी बात को रखता है जो भी वो कहना चाहता है। इनकल्केशन ऑफ बेसिक सिविक्स वैल्यूज जैसे डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ये सारा है ना, और डेडिकेशन मतलब अपना काम करना सही से, ऑनेस्टी ईमानदारी, पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, ओबीडियंस कहना मानना, सच्चाई, बलिदान, एक दूसरे से मदद करना, ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ सीखता है, फैमिली में। हेल्प्स द चाइल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, और ये सब चीज़ें बच्चे के आगे बढ़ने में, उसकी विकास में, डेवलपमेंट में मदद करती हैं। ओके, दीज सिविक्स एंड मोरल वैल्यूज आर कॉल्ड संस्कार, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संस्कार, यानी आप कैसे एक अच्छे इंसान बने, क्या क्या वैल्यूज आप में होनी चाहिए, वो आप फैमिली से सीखते हो और वही आपको बड़े होके काम आती है। ट्राई टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली इन ब्रिंगिंग यू अप एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग और योर पर्सनैलिटी। कहता है अब ये तुम्हें पता चल गया, अब सोचो तुम अपना, अपने फैमिली का सोचो कि उन्होंने तुम्हें कैसे पाला है और तुम्हारा कैसे मदद किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जो आप आज हो तो आपका फैमिली का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है ये सोचो। अनडाउटफुली, कहते हैं इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, वी ओ अ लोड टू अवर फैमिली, हम अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा एहसान मंद हैं, ठीक है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। इन रिटर्न वी हैव मैनी ड्यूटीज़, अब कहते हैं जब उनसे हमें मिला है तो हमारी भी ड्यूटी है अपनी फैमिली की तरफ, क्या ड्यूटी है, वी मत रिस्पेक्ट एंड ओबे अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, जो भी घर में बड़े हैं
उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और कहना मानना चाहिए. वी मस्ट बी कोऑपरेटिव, यानी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हेल्पफुल एंड लॉयल टू द फैमिली, हमेशा फैमिली के अच्छे के लिए सोचना चाहिए. वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन अवर स्टडीज, हमें अपनी स्टडीज में ध्यान देना चाहिए. एंड कैरी ऑन अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना चाहिए. ये नहीं मम्मी ने कहा कि काम कर दो थोड़ा सा, नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ, चाहे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. अपना पढ़ो भी और जो दूसरे काम दे रहे हैं थोड़ा बहुत वो भी करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझो. लेट अस रिमेंबर दैट अवर पेरेंट्स आर नॉट ओनली अवर वेल विशर्स, कहता है ये ध्यान रखो कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमारा अच्छा ही नहीं चाहते, हमारे दोस्त भी हैं, फिलोसोफर्स एंड गाइड. फिलोसोफर्स जो लाइफ में आप अच्छे बनो आपको वो बताते हैं, और गाइड वही मतलब है सारा कि अच्छा रास्ता दिखाना, आपको एक अच्छा इंसान बनाना, क्या करो क्या ना करो ये बताने वाले. अब आ जाइए कम्युनिटी में क्या है, स्कूल. अनदर इंट्रीगल पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी लाइफ इज स्कूल. अब दूसरा क्या है हमारी लाइफ का पार्ट, स्कूल. पहले आप फैमिली में आते हो, बच्चे होते हो, फिर आप कहाँ जाते हो, स्कूल. इट इज़ नॉट ओनली इम्पार्ट एजुकेशन, कहता है सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही नहीं देता, हमें ट्रेन भी करता है आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग. क्यों, आप वहाँ सभी बच्चों के साथ मिलके रहते हो ना, और स्कूल में कुछ टीम वर्क भी होता है ना, साथ मिलके रहना सिखाया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है. घर में तो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हो, लेकिन स्कूल में आप फैमिली मेम्बर से अलग दूसरे लोगों के साथ मिलके रहते हो, बच्चों के साथ. इन फैक्ट इट इज़ द एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स, ये वो एजुकेशन है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. यानी वो हमें इस लायक बनाती है कि हम कम्युनिटी के लिए अच्छा कर पाएं. यानी आप अच्छा पढ़ते लिखते हो, आप स्किल्ड पर्सन बनते हो, आपको आगे जॉब अच्छी मिलती है, तो आप आगे कंट्री में और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हो, उसको आगे ले जाने का काम करते हो. अब है नेबरहुड, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो भी चीज़ हमें अपने चारों ओर दिखती है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेबरहुड. तो वो नेबरहुड का क्या है, हमारे नेबरहुड का एक पार्ट है. एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी, कोई अकेला है या कम्युनिटी के साथ, मतलब अकेला, हर कोई अकेला और कम्युनिटी के साथ, चाहे वो विलेज लेवल पे है, सिटी पे है, स्टेट पे है, नेशनल पे है, इंटरनेशनल पे है, नीड्स अ फ्रेंडली नेबरहुड. उसे एक अच्छा नेबरहुड चाहिए, अच्छा पड़ोस चाहिए. गुड नेबरहुड हेल्प्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग टाइज अमंग इंडिविजुअल्स, यानी अगर आप के साथ अपने पड़ोसियों के, आपके पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, तो आप किसी के भी साथ जब आप वहाँ से बाहर निकलोगे, कहीं और जाओगे, तो सबके साथ आपके अच्छे रिश्ते होंगे. ठीक है, तो अच्छा नेबरहुड है वो आप में ये फीलिंग डेवलप करता है कि आप दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाओ, टाइज, स्ट्रॉन्ग टाइज. कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा कमाना. ठीक है, अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब हिमसेल्फ, तो जो अर्ली मैन है वो तो अपना सारा काम खुद करता था, बिकॉज ही लिव्ड अलोन, क्योंकि वो अकेला रहता था. अब अकेला रहेगा तो खुद ही करेगा ना सारे काम. व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, जब उसने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की, तो डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लग गए. देयर डिपेंडेंस इन वन अनदर राइज टू द विलेज कम्युनिटी, अब जो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे उसी की वजह से किसका जन्म हुआ, गांवों का जन्म हुआ. एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और कॉन्सेप्ट आया डिवीजन ऑफ लेबर का. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे, अब वो अर्ली मैन था, उसे खेती भी करनी थी, पशुओं का ध्यान भी रखना था, और पानी भी चाहिए था, घर के भी काम करने थे, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उसे पॉट्स भी चाहिए थे, कपड़े भी पहनने के लिए चाहिए थे, तो सारे चीज़ें वो एक जगह तो नहीं कर सकते ना. कुछ लोग थे भाई, कुछ ग्रुप जो थे वो खेती का काम करते थे, कुछ ग्रुप बर्तन बनाने का काम करते थे, कुछ ग्रुप कपड़े बनाने का काम करते थे, तो अलग अलग हो गए ना, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए. कपड़ा वाला सिर्फ कपड़े बना के क्या करेगा, जब तक कि उसका कोई कपड़ा कोई दूसरा नहीं लेगा. भाई जब उसका कोई कपड़ा दूसरा लेगा तभी उसके पास पैसे आएंगे, या वो उस कपड़े के बजाय फार्मर से अनाज खरीदेगा. तो ये तो तुम खुद सोचो ना, हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सारी ज़रूरतें हमारी एक जगह से तो पूरी नहीं होती ना. हमें खरीदने के लिए भी अलग अलग दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जाना पड़ता है ना, सबके पास एक चीज़ तो नहीं मिलती ना जब हम मार्केट जाते हैं, है ना. तो ऐसे ही एक दूसरे पर डिपेंडेंस होता है, ये इम्पोर्टेंट है. डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, क्या है, हमारी लाइफ को ईजी बनाता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है. बस एक बंदा एक ही काम में लगा हुआ है ना, ग्रुप कोई, तो वो वही काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी. ठीक है, कॉस्ट कम हो जाएगी, और लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और जो जिसका काम है वो उसी की अच्छा करता है. ठीक है, अब मैं तुम्हें कहूँगी मेरे घर बिजली का काम कर दो, तो क्या होगा,
करने लगोगे तो करंट ही लग जाएगा ना, क्योंकि कोई नॉलेज ही नहीं है। तो जिसको जिस चीज़ की नॉलेज होती है वो वही काम ही अच्छे से करता है।